नमस्कार दोस्तों दोस्तों कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा जो तबाही मची थी शुरुआत में चाइना में, उसके बाद ये जो बढ़ता हुआ क्रम जो नज़र आ रहा है अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हम बात करें तो अमेरिका में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, और मैं बता दूँ आपको कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग तो रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन मरने की कगार 60,867 हो चुका है। जी हाँ, 60,867। और मैं बता दूं आपको कि मतलब अमेरिका में जिस तरह से संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, मरने की संख्या जिस तरह से बढ़ी जा रही है, बताओ हज़ार हज़ार दो दो हज़ार में बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी 24 घंटे में बात करें तो 2502 यानी 2502 संख्या बढ़ चुकी है मरने वालों की संख्या, 2502 यानी 2500 लोग मर चुके हैं 24 घंटे में। मतलब इतनी तेज़ी से भयानक रूप लेती जा रही है अमेरिका में इस तरह से। तो दोस्तों ये काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है कि जिस तरह से अमेरिका ऐसा विकसित देश है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, फिर भी उस वहाँ पे इतनी ज़्यादा मौत हो रहा है। क्यों? कारण एक ही नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन, सही समय पर लॉकडाउन नहीं किया गया, जिस वजह से काफ़ी लोग में ये ज़्यादा फैलती गई, और अगर कोई एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो पूरी सोसाइटी को संक्रमित फैल जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और बाकी सभी देश को सीखना चाहिए, इंडिया को सीखना चाहिए कि अगर लॉकडाउन की ज़रूरत है तो लॉकडाउन होनी ही चाहिए, चाहे एक्सटेंड हो, चाहे 3 मई हो, चाहे ज़्यादा हो। लेकिन फिलहाल अभी जो अमेरिका की जो हालत है काफ़ी ख़राब हालत है, काफ़ी मतलब बड़ी मतलब विपत्ति दौर से गुजर रहा है अमेरिका। तो इसके लिए यही कहना होगा कि किसी तरह से इसे बचाया जाए, किसी तरह से इसे मतलब किसी तरह से इसके मेडिकल को मतलब और भी पुख्ता किया जाए, और भी मतलब मजबूत किया जाए। भारत भले ही उनको हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा दिया गया है उनके पास, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी तो कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है, जो भी होगा पूरी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।